स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो में बात करने वाले नर्सिंग के सभी कोर्सेज के बारे में, बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करेंगे, पोस्ट बेसिक जीएनएम के बारे में, एमएससी नर्सिंग के बारे में बात करेंगे, नर्सिंग प्रैक्टिशनर के बारे में बात करेंगे। अप्लीकेशन फॉर्म निकल गए हैं एंड यहाँ पर जो है लास्ट डेट अभी नियर है, तो आप लोगों को जो है अप्लाई कर लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो है डायरेक्ट एडमिशन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो बीएससी नर्सिंग में कैसे एडमिशन होगा? बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होगा, जीएनएम में भी डायरेक्ट 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन रहेगा, पोस्ट बेसिक में जो एडमिशन रहेगा वो जीएनएम के डायरेक्ट मार्क्स के बेसिस पर रहेगा। एमएससी नर्सिंग में बात करें तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के मार्क्स के बेसिस पर रहेगा, नर्सिंग प्रैक्टिशनर में बात करें तो बीएससी नर्सिंग के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डेट जो है इसकी 31 जुलाई है, तो आप लोगों को जो है इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। वैसे तो इसकी लास्ट डेट काफ़ी पहले थी, बट यहाँ पर जो है रिसेंट डेट्स अपडेट हो गई हैं एंड यहाँ पर 31st तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 31 जुलाई तक, सैटरडे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो है टाइम बचा है, तो आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आपका एडमिशन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होगा तो यहाँ पर जो है आपका कुछ लग नहीं रहा, आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, बस अप्लीकेशन तो फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, जिसकी फीस है 700 रुपये। 700 रुपये यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की पोस्ट बेसिक की फीस है, बट जीएनएम के लिए अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो 250 यहाँ पर लगने वाली, 250 रुपये ही फीस है। एमएससी की एंड एनपीसीसी की फीस 800 रुपये यहाँ पर लगने वाली है। तो जून में इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए थे एंड सैटरडे तक, 31st सैटरडे तक आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर टोटल 100 सीट हमें देखने के लिए मिल जाएंगी, पोस्ट बेसिक के लिए 60 सीट, जीएनएम के लिए 100 सीट हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। एमएससी के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट हमें देखने के लिए मिल रही हैं, लाइक मैं बोलूँ तो यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 30 के प्लस सीट हमें देखने के लिए मिल रही हैं। बात करें यहाँ पर एनपीसीसी के लिए तो हमें यहाँ पर 5 सीट देखने के लिए मिल रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं एसटी जोन्स कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो एसटी जोन्स एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस के बारे में हम बात करें, दैट इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। एप्लीकेशन फॉर्म जो है जून में स्टार्ट हो गए थे, बट अभी जो है 31st तक आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि सलेक्शन यहाँ पर रहने वाला है 2021 में 2022 में, एज पर यहाँ पर यूनिवर्सिटी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन 12th एंड यहाँ पर 10th और 12th में जितने भी मार्क्स है उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर जो एडमिशन रहने वाला है। एंड मास्टर प्रोग्राम में जो एडमिशन रहेगा वो प्रीवियस डिग्री के बेसिस पर रहेगा। एंड जो सिलेक्शन की जो लिस्ट होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी, मैं आप सभी को नोटिफाई करूँगी, तो उसका बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। तो कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होगा? तो अप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग इज़ टू बी डाउनलोड एज ए PDF फ्रॉम द वेबसाइट एंड आप लोग जो है इनको सेंड कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर जो है ऑनलाइन आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन वैसे तो मैं आपको फिल करके दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट में, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या यहाँ पर चाहिएगा। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत होगी, वैलिड ईमेल आईडी, देन आपको मोबाइल नंबर के यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहने वाले, दोनों ही चीज़ें जो होनी चाहिए वो रनिंग यहाँ पर रहनी चाहिए, तभी यहाँ पर बात हो बनेगी। रनिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट आप लोग जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, मतलब यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर नहीं, बट लिंक आपको सेंड किया जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर करनी है आपको, कैसे करनी है? ऑफिशियल वेबसाइट है www.stjones.in, इस पर चले जाना है आपको, या फिर आप लोग लिंक डायरेक्ट लिंक में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, वरना stjones.admission.in नर्सिंग पर आपको चले जाना है एंड यहाँ पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड यहाँ पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स फिल कर लेनी है, देन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग लॉगिन करके देख सकते हैं विद ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है आपको डायरेक्ट लिंक जो है ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा, जैसे ही आप लोग ईमेल आईडी नंबर भरेंगे तो ईमेल आईडी पर आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आकर जो है आप लोग आगे के स्टेप्स कर पाएंगे। तो सबसे पहले यही है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा एंड यहाँ पर देन आप यूज़र आईडी और पासवर्ड से जो है लॉगिन कर सकेंगे, ठीक है। तो यही डिटेल है, तो आप लोगों को मैं अभी बताऊंगी कैसे करना है। उससे पहले कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह जान लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ फीमेल कर सकते हैं, 17 ईयर की एज यहाँ पर रहनी चाहिए, मिनिमम एजुकेशन और क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, इन यहाँ पर जो 45% मार्क्स होने चाहिए पीसीबी में एंड यहाँ पर 40% मार्क्स होने चाहिए एससी और एसटी में, ठीक है। और यहाँ पर और कोई बोर्ड से भी आप लोग हो सकते हैं एंड यहाँ पर जो है
बात करें यहाँ पर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 35 से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। तो सिलेक्शन जो है इन्होंने बता रखा है, एक रेस्ट्रिक्शन है ट्रैवलिंग में कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आप लोगों को जो है एंट्रेंस टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू वैसे तो होता है बट यहाँ पर नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। इस साल सिलेक्शन जो रहेगा वो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी रहेगी वो 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पर करवाने वाली है। तो बात करें फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कितनी फीस स्ट्रक्चर रहने वाली, तो 1 लाख यहाँ पर फीस रहेगी विद हॉस्टल एंड विदाउट हॉस्टल 86,000 आपकी फीस रहने वाली है एंड 85 जो है सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर की रहेगी एंड मैच के जो चार्जेस रहेंगे वो 2,000 रहेंगे। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा भी नहीं है, फीस कम भी नहीं है एंड ऑन एन एवरेज इतनी तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेजेस में पे करनी पड़ती है बट काफ़ी अच्छा कॉलेज है। बात करें पोस्ट बेसिक से रिगार्डिंग तो सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है एंड आपको जो है यहाँ पर जो है लाइक जीनम आपने किया हुआ होना चाहिए तभी आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर उसके साथ साथ 46 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 700 यहाँ पर जो फीस है रहने वाली दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। तो यहाँ पर जो है बात करें सिलेक्शन के लिए आप लोग को ऑनलाइन इंटरव्यू देना होगा। बात करें फीस तो 99 की यहाँ पर रहने वाली हूँ, 99,000 आपकी फीस रहेगी विद हॉस्टल विदाउट 83 रहने वाले, 2,000 मैथ्स के चार्जेस यहाँ पर लगने वाले हैं ठीक है। तो ये जो है बात करें जीएनएम के लिए, यहाँ पर जीएनएम के लिए सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, 70 से 35 की एज होनी चाहिए, पीस भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग एएनएम पास हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। तो यही टोटली हमने जो डिस्कस कर लिया, 52 के यहाँ पर फीस रहने वाले। एमएससी नर्सिंग के लिए फीमेल अप्लाई कर सकती हैं एंड एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, बीएससी नर्सिंग में पोस्ट बेसिक में भी हो सकते हैं ठीक है। तो यही यहाँ पर क्राइटेरिया है एंड यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपको मांगा गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं 1,28,000 फीस यहाँ पर रहने वाली है एंड यही नर्सिंग प्रैक्टिशनर के लिए जो है मांगा गया है। फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट ही आ गई हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। आपको आ जाना है stjohnadmission.in ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको डायरेक्ट आ जाना है stjohnadmission.in पे ही आप आ जाइएगा बिकॉज यहाँ पर आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आप लोग ऑफिशियल्स इनकी देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर जो है डेडिकेशन हमें दिख रहा है ठीक है। यहाँ पर हमें लाइक इससे ही पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं एंड काफ़ी ईयर से रनिंग में है, 1989 से यहाँ पर जो है नॉलेज स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं, नर्सिंग के कोर्सेज यहाँ पर रनिंग में है एंड RUHS के से रिकॉग्नाइज्ड है। RUHS मैं बताऊँ तो आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका से जो है एफिलेटेड है एंड यहाँ पर जो है हमें अप्लाई कैसे करना है आप लोग बुलेटिन यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे एंड यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको बिल्कुल नीचे चले जाना है ठीक है। आपको बेसिक बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको जो है सबके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट जो है नॉलेज मिल जाएगी। आपको जो लिंक मिलने वाला है वो डायरेक्ट सबसे नीचे मिलेगा ठीक है, आपको लिंक के लिए सबसे नीचे जाना पड़ेगा। तो बेसिक बीएससी नर्सिंग है क्लिक टू अप्लाई, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड आप लोग जो है अप्लाई कर पाएंगे ठीक है। आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको अपनी नेसेसरी जो डिटेल्स है वो फिल करनी होंगी, जैसे कि इन्होंने कोर्स वगैरह यहाँ पर पहले ही फिल कर दिया। तो आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम फिल करना होगा, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड यहाँ पर आपको जो कैप्चा है वो फिल कर देना होगा एंड रजिस्टर हो जाना होगा। जब आप ये सभी चीज़ें कर लेंगे तो आपको ईमेल आईडी पे एक लिंक जो है सेंड किया जाएगा एंड उस लिंक से आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर जो है लाइक नेक्स्ट प्रोसेस कर पाएंगे। तो आप लोग जब यहाँ पर सब कुछ कर ले तो यहाँ पर आप यूज़र नेम पासवर्ड से एक बार लॉगिन करके जरूर देख लीजिएगा। तो ये सभी जो है काफी ज्यादा इजी प्रोसेस थी। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। बाकी वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स हों आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताएं एंड इसके साथ साथ एक दिन इसके लिए बच गया है तो आप लोग अप्लाई कर दें। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग में पैरामेडिकल में तो आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा तनु वाले चैनल पे एंड वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं तो आप लोग जो है ले सकते हैं। थैंक यू।